हेलो दोस्तों, मैं परमिता करती हूँ आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल परमिता होम गार्डनिंग में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो में कुछ खास बातें। देखिए फ्रेंड्स, ये है पिटूनिया का जो फ्लावरिंग प्लांट, और इनको लगे हुए मात्र छोटी छोटी सी जो सैपलिंग थी वो लाई थी मैं, और इनको लगे हुए एक महीने के करीब हुआ है ये देखिए। और इधर एक ही कलर निकल के आए हैं, क्योंकि सैपलिंग लाते हैं तो पता नहीं होता उनमें कि किस कलर में हैं। और मैं छोटी छोटी सी इनकी पौध लाई थी, वही मैंने बास्केट में लगाई हैं, और देखिए बास्केट पूरी तरीके से भर गई है। किस तरीके से इनकी मिट्टी बनाई थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी, और ये एक प्रोजेक्ट बनाया था वही मैं आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह का स्टैंड बनाना चाहते हैं जिस पर आप हैंगिंग लटकाना चाहते हैं, तो बिना किसी खर्चे के आपके ये बन जाएगा। इस तरीके का आपके पास कोई स्टेम हो या फिर इस तरह की स्टेम काट लीजिए आप किसी भी प्लांट की, देखिए जो डबल में हो या ट्रिपल में हो, इस तरीके से वो आपके हाथ में है कि आप स्टेम किस तरह की काट रहे हैं उसकी। और ये मेरी अमरूद की स्टेम है, इसको मैंने पहले इसको सुखाया मैंने 15-20 दिन के लिए, सुखाने के लिए रख दिया। जब मैंने मुझे लगा कि ये सूख गया है, उसके बाद मैंने इस पर वार्निश की, उसके बाद पेंट किया। पेंट आप कोई सा भी कर सकते हैं, मैंने तो इस पर ये जो येलो और ये रेड किया हुआ है। और फिर मैंने देखिए इस तरह की जो स्टेम होती है ना, इसकी जो आपका ये जो ढहना होता है पेड़ का, इस तरीके से स्टेम नहीं काटनी होती हैं, बस इसकी जो पत्तियाँ होती हैं बारीक बारीक जो टहनियाँ होती हैं वही कट करनी होती हैं। और देखिए कितने अच्छे से बन गया है, बन के तैयार हो गया है, और इस पर मेरी कितनी सारी हैंगिंग हैंग हो गई हैं, तीन इस तरफ हैं। ये देखिए, ये रही एक तो, और एक ये रही, और एक ये, एक ये, एक ये, और कुछ ही मैंने इस तरीके से बना के इस पर ये कुछ, ये देखिए ये मधुमक्खी है, और ये स्माइली मैंने स्माइल बना दी है एक बॉल पे, बॉल से बनाया हुआ है ये देखिए, कितनी सुंदर लग रहा है ये। और कुछ नस्टेरियम है ये इस तरीके से, और कुछ ये पिटूनिया है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, इसको पेंट करने के बाद आप इसको सूखने के लिए रख दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। और एक बाल्टी ली हुई है मैंने, ये देखिए बाल्टी में मिट्टी भर के, मिट्टी में इस तरीके से मैंने नीचे बिल्कुल दबा दिया है जिससे इसका वेट आगे पीछे ना हो, और एक तरीके से यहाँ पर जम गई है ये। और इसमें मैंने कुछ लगाए हैं गेंदे की पौध, गेंदे लगा दिए हैं मैंने इसमें, बहुत अच्छे से चलते हैं। और कुछ इस तरीके से देखिए मैंने इसमें लाइट लगाई हुई है, ये जब रात में इसको ऑन करती हूँ तो अच्छी लगती है। तो बस यही शेयर कर रही थी मैं आज छोटी सी जानकारी आपके साथ, कि अगर आप कोई स्टैंड बिना पैसों के तैयार करना चाहते हैं तो बस आपका 20 से 25 रुपए में स्टैंड तैयार हो सकता है। बस पेंट, मात्र पेंट का खर्चा आएगा इसमें आपको, और आप हैंगिंग इस पर लगा सकते हो। अगर आप के पास हैंगिंग नहीं है और आप बिना खर्चे के करना चाहते हैं, तो आप इस पर ना जो बोतल होती हैं, बोतल को हैंग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बोतल है, अगर हैंगिंग नहीं लाना चाहते हैं, बास्केट नहीं लाना चाहते हैं, और बिना किसी खर्चे के बस मात्र पेंट से ही आप करना चाहते हैं, तो इस तरीके से इस पर हैंगिंग इस वाली जो बोतल से, ऐसी बोतल से बना सकते हैं आप। तो बस यही आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि आप इस तरीके से बिना किसी खर्चे के एक स्टेम से, जो पेड़ की स्टेम होती है उससे आप हैंगिंग स्टैंड बना सकते हैं। ये देखिए, और दूर से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बहुत अच्छा लगता है ये बनके। तो आप भी बना लीजिए इस तरीके से एक हैंगिंग स्टैंड बिना किसी खर्च के। फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।